सो थैंक्स टू माई वेरी डियर फ्रेंड आरती दानी जो दुबई में रहती है, हम दोनों ने यहाँ पे ये फिल्म देखी प्लैटिनम स्वीट्स में व्हील में, जिसका नाम है शज़ाम। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू फैंस आर वेटिंग फॉर इट। इट्स वन ऑफ दोज डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाला फिल्म, बट आई एम नॉट अ फैन एज यू ऑल गाइज नो। बट ये जो फिल्म है, इट इज़ लेट मी टेल यू डेफिनेटली बेटर देन अवेंजर्स, इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन द रीसेंट कैप्टन मार्वल, और ये जितनी भी मेज रनर टाइप की जो भी यू नो सुपर हीरो काइंड ऑफ मूवीज आती है, दिस टोटली रिमाइंडेड मी ऑफ स्पाइडर मैन, बिकॉज इसमें बहुत सारा ऐसा सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सी स्टोरी है, जहाँ पर देयर इज दिस टीनेज बॉय हु जैसे शज़ाम बोलता है तो ही बिकम्स अ सुपर हीरो एंड देन ही काइंड ऑफ फाइंड्स हिज पावर्स एंड देन व्हाट हैपेंस। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारा ह्यूमर क्रिएट किया है, देयर इज अ वेरी रिलेटेबल स्टोरी लाइन। ऑफकोर्स देयर आर स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर्स, बहुत ही टिपिकल एक अमेरिका डिज्नी में जिस तरीके की स्टोरी होती है वो वाला सब कुछ है, बट हैविंग सेड दैट देर इज़ नो डल मोमेंट इन द फिल्म। इट गोज ऑन अ वेरी एंटरटेनिंग यू नो एट अ वेरी एंटरटेनिंग पेस, इट काइंड ऑफ कीप्स यू गोइंग, देर इज नेवर अ टाइम वे यू फील बोर्ड विद द फिल्म। ऑफकोर्स इट्स अ लिटिल स्ट्रेच टूवर्ड्स द एंड, बट दैट्स ओके, बिकॉज बाकी जो मूवीज मैंने देखी वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच है कि मतलब आप लिटरली बोर हो जाते हो। एंड द अदर थिंग इज एट वन पॉइंट आरती एंड आई बोथ वर सेइंग दैट हमको मिस्टर इंडिया की याद दिला रहा है, एंड यू नो दैट्स लाइक रियली saying something, because Mr. India, I'm sure a lot of people's all-time favorite when it comes to Bollywood. So yeah, I think a lot of critics might pan it, saying that, you know, it's very childish and it's got this and that. But I think as somebody who is not a fan, I still enjoyed this a lot. And if this movie is releasing next week or this week itself on Friday or something in India, you guys should really watch it. And if you're a fan of these Marvel Studio and DC comic movies, and this is definitely for you. At least it will entertain you thoroughly, and for that reason I'm going with 3.5 stars out of 5. I would have even given it 4 had it been a little less stretched towards the end, but yeah, it's definitely a must watch one time. Totally. Thank you.